तो राम राम मेरे सभी भाइयों को, कैसे हो आप सब। तो एक बार आपका फिर स्वागत है मेरे चैनल अनुज नागर पर। तो भाई आज जा रहे हैं अपनी जिम। सुबह के बज चुके हैं 5:30। आज संडे है तो अपना करेंगे वर्कआउट, और वर्कआउट लगाएंगे बैक का, वो आपको दिखाते हैं, और बाकी मील वील अपनी दिखाते हैं। तो भाई जो मेरे चैनल पर बने हुए हैं लोग, उनके लिए दिल से धन्यवाद। और जो जुड़ना चाहते हैं वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अनुज नागर मेरे चैनल का नाम है। और थोड़ा ज्यादा प्यार की मुझे नीड है, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बाकी अच्छे अच्छे वर्कआउट के लिए आपको दिखाते रहेंगे। थैंक यू। तो भाई अपना आपको बोला था कि आज अपना बैक का वर्कआउट करेंगे, तो बैक का वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी बॉडी के लिए, वो होती है स्ट्रेचिंग। तो अपना स्ट्रेचिंग से स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेचिंग में क्या है कि बॉडी जब कभी हम वर्कआउट करते हैं शाम को या सुबह, तो बॉडी हमारी बहुत ज्यादा स्टिफ होती है। और मेरी तो बॉडी बहुत ज्यादा वैसे स्टिफ रहती है, बहुत हार्ड है बॉडी, पता नहीं क्या प्रॉब्लम रहती है। मैं पानी भी अब लोड कर रहा हूँ, जैसे टाइगर भाई ने बताया था कि पानी पीना है 6 से 7 लीटर, तो मैं ज्यादा ही पी रहा हूँ, कम नहीं पी रहा। तो इसलिए हमें स्ट्रेचिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और उसके बाद स्टार्ट करने से पहले अब करेंगे अपने चिन अप्स के सेट। इसके 4 सेट करने हैं, और रेपिटेशन आप जितना मैक्सिमम कर सकते हो। ये पूरा बैक का मतलब, इसमें ये जो हम चिनअप्स लेते हैं ना, इसमें पूरा बैक का, पूरी बैक खिंच जाती है, इसमें पूरा बैक का पूरा वर्कआउट हो जाता है। और ये बहुत से लोग होते हैं जिन पे लगता नहीं है, तो भाई इसको सेल्फ जरूर ट्राई किया करो। कोई भी एक्सरसाइज है उससे पहले इसको जरूर ट्राई करो। तो भाई पुलअप्स लेने के बाद अपना जो फर्स्ट स्टार्ट स्टार्ट करेंगे वर्कआउट, वो है अपना बिहाइंड द लेग लेग पुल डाउन। और इसके 4 सेट करने हैं, 12 से 15 रेपिटेशन। तो मेरी तो भाई जो मसल बिल्ड होनी थी वो हो चुकी है। मैं ज्यादा हैवी वेट तो मारूंगा नहीं, बट रेपिटेशन निकालूंगा, तो क्योंकि लास्ट टाइम है अपना, तो बस मसल को ट्रेन करना है, और हैवी वेट करूंगा नहीं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज ये है अपनी, बैक के लिए बहुत अच्छा वर्कआउट है, ज्यादा वेट नहीं है, 50 है। तो पहला सेट है इसका। मसल पूरी नीचे छोड़नी है इसमें, फिर पूरा ऊपर दबाना है नीचे पीछे ब्लेड को, बैक को। ये इसके 4 सेट करने हैं, और 15 से 20 रेपिटेशन, और वेट अपने हिसाब से करना है। पहला वर्कआउट है, पहला वर्कआउट हमारा लेट पुल डाउन बिहाइंड द नेक फिनिश हो गया, 4 सेट हुए। अब सेकंड लेता है फ्रंट पुल डाउन, इसके भी 4 सेट लेने हैं, 12-15 रेपिटेशन, या आप मैक्सिमम भी ले सकते हैं अपने वेट के अकॉर्डिंग। लोग बोलते हैं भाई ये तो पुराना वर्कआउट है, भाई पुराना वर्कआउट नहीं, सब जो ये है ये बैक के बहुत ही ज्यादा अच्छे वर्कआउट है, और ये बहुत ही ज्यादा इनकी नीड है, ये करने बहुत जरूरी है। कितना कुछ भी कर लो मसल वही आपको कांटेक्ट में लानी पड़ेगी। तो नए चीज से अच्छा है जो अपना पुराना चल रहा है आप उसी को बेटर करें, मसल पे कॉन्टेंट करें इन सब चीजों का। जब मसल के साथ आपका कॉन्टेक्ट होगा ना, तो मसल अपने आप आपकी बन जाएगी। तो अपना नेक्स्ट वर्कआउट है बैक का लेट पुल डाउन के बाद हैमर का। इसमें आप सिटिंग रो भी कर सकते हैं, बट मेरे पास हैमर मशीन है, मेरे को ज्यादा सूटेबल लगती है, तो इसलिए मैं हैमर करूंगा। और इसमें 4 सेट करने हैं अपने, 12-15 रेपिटेशन। जिसके पास ये नहीं है वो सिटिंग रो भी कर सकता है।
इस पे मुझे सबसे तगड़ा फील आता है बैक का, पूरी बैक इसमें बन के आती है, पीछे जाती है फिर आगे पूरी मसल इसमें कॉन्टेक्ट में आती है। तो एक बार जरूर ट्राई करें, नहीं सिटिंग रो के साथ भी आप कर सकते हैं। तो भाई उसके बाद अपना नेक्स्ट वर्कआउट मतलब फोर्थ वर्कआउट है सिंगल हेड, आप डंबल भी कर सकते हैं बट मैं हैमर मशीन पर करता हूँ, थोड़ी मेरे को बैक की प्रॉब्लम रहती है तो थोड़ा इसलिए प्रेप टाइम है, ज़्यादा मैं फोर्स नहीं लगाना चाहता लोअर बैक पे, तो इसलिए मैं इसके 4 सेट और 12-15 रेपिटेशन करूंगा सिंगल सिंगल एंड के। इसको भी अपने वर्कआउट में भाई ऐड कर लें, डंबल से भी एक ही बात है बट डंबल में थोड़ा स्ट्रेट रहना पड़ता है, तो मेरे को लोअर बैक की प्रॉब्लम है थोड़ी, तो इसलिए लास्ट टाइम है अपना, तो मैं नहीं चाहता कोई इंजरी हो, तो इसलिए इस पर थोड़ा खड़ा होकर बट मसल पे इसका फर्क वही आता है, तो इसे भी एक बार जरूर अपने वर्कआउट में ऐड करें। तो भाई अपना नेक्स्ट वर्कआउट है बैक का, इसमें आपको 4 सेट लेने और 15-20 रेपिटेशन। वेट मेरा नॉर्मल है, ना लाइट है ना हैवी है, तो स्टार्ट करते हैं। ये भी बैक का पूरा कवर कर देता है, पूरा पोर्शन इसमें बैक की जितनी मसल होती है पूरा बैक पार्ट पूरा कवर हो जाता है। पर इसमें क्या करना है, नीचे आपको आप किसी भी स्पीड से ला सकते हैं मतलब नॉर्मल, बट जब आप ऊपर जाओगे तो इसका मोशन बिल्कुल स्लो रखना है ताकि मसल पूरी कॉन्टेक्ट में आ सके। तो ये वर्कआउट भी जरूर अपने वर्कआउट में ऐड कर लेना। तो बैक का अपना लास्ट वर्कआउट है और ये है रोमन चेयर, तो इसमें आपको 10-12 रेपिटेशन और 3-4 सेट लेने। इसमें मैं बिना वेट के मारता हूँ, जिसकी बैक थोड़ी स्ट्रांग है वो इसको मार सकता है वेट के साथ भी, 10 या 5 किलो प्लेट के साथ, तो मैं तो इसको नॉर्मल करता हूँ। ये लोअर बैक स्ट्रांग करने के लिए है, इस पर ज़्यादा फोर्स देने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको आप एक स्ट्रेचिंग की तरह या नॉर्मल कर सकते हैं, ज़्यादा इस पे जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो बिगनर है वो भी और एथलीट को तो पता ही होगा, क्योंकि इसका पूरा प्रेशर लोअर बैक पे आता है। तो भाई ये अपना वर्कआउट हो चुका है फिनिश, और ये वर्कआउट आप फॉलो कर सकते हैं जाके। और एक चीज़ और मैं आप सभी से ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप लास्ट से देख रहे, लास्ट ईयर भी आपने देखा, उससे पहले भी आपने देखा, तो बॉडी में मेरी में क्या इंप्रूवमेंट है इस बार, मतलब कुछ डिफरेंट है या पहले से बेटर है या पहले से मतलब लो है या कम है, जो भी है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और कहां मेरी कमी दिख रही है वो आप एक बार जरूर बताएं। बाकी जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तो आपको पूरा शो करेंगे कोर के साथ, अभी आप अपर से ही अंदाजा लगा लियो, लगा लेना कि बॉडी कंडीशन कैसी है। बाकी अब इसके बाद वर्कआउट खत्म, अपनी डाइट होगी जो भी वो आपको दिखाएंगे कि क्या डाइट लेंगे, फिर जो शेड्यूल होगा उसके बारे में देखते हैं। और ऐसे ही मेरे प्यार चैनल को प्यार देते रहो, सपोर्ट करते रहो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल का नाम है अनुज नागर। थैंक यू। तो भाई अपना वर्कआउट हो गया है कंप्लीट, और सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है अपनी डाइट, प्रोटीन, मौसमी, बॉइल्ड वेजिटेबल, बॉइल्ड एग और एप्पल और खीरे, इतने सारा खाता हूँ मैं, क्योंकि चिकन आज है नहीं, क्योंकि चिकन होगी 11-12 बजे के बाद, तो पहले यही ऐड कर लिया अपनी मील में। तो वर्कआउट के साथ साथ मील भी बहुत ज़रूरी है।